भैया किशन जी नाम किशन है, तो हम ही लेके जाएंगे। हनुमान जी अगर थोड़ी देर अगर तो मंदिर काफ़ी बड़ा बड़ा हुआ, बढ़िया मंदिर है, फेमस मंदिर है। तो हनुमान जी के पुत्र थे जो मकर ध्वज, काफ़ी फेमस मंदिर है, तो वहीं जा रहे हैं हम। कितना मिनट लगेगा? 5 किलोमीटर है। 15-20 मिनट तो लग जाएगा ना? 15-20 मिनट लगे रहेगा ना? 20 मिनट यानी 20 मिनट मान के चलो तो 20 मिनट लग जाएगा। अच्छा, दर्शन करने में 5 से 10 मिनट लग जाएगा? 5 मिनट में दर्शन हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मिलते हैं नगर धर्म मंदिर पे। जैसा कि गाइस तकरीबन 5-6 किलोमीटर है मगर ध्वज मंदिर है, बैठ द्वारिका से है, तो हम मंदिर पहुंच चुके हैं, तो अंदर जा रहे हैं। जय श्री राम। जो मकरध्वज जी थे, हनुमान जी के पुत्र थे मकरध्वज, तो उनका मंदिर बना हुआ यहाँ पे। हाँ बोलो। और वो ऑटो वाला पता ही मैं आपको अंदर चल के मंदिर के दर्शन कराता हूँ। तो चप्पल और जूते बाहर उतारने पड़े यहीं पे। मंदिर के अंदर का ये सारा दर्शन हो रहा है। तो दर्शन कर लो पहले, मैं भोजन कर लिया मैंने, तो बहुत दूर दर्शन अंदर वहाँ चलते ना, जहाँ दर्शन कर लिए। तो भाई जिसमें बता दूं कि जो मकरध्वज जी का मंदिर है, तो कैसे जब भगवान श्री राम और रावण जी का युद्ध हो रहा था, तो अहिरावण महिरावण के साथ, तो अहिरावण महिरावण ने
राम जी और लक्ष्मण जी को चुरा कर पाताल लोक में यहाँ पे लेके आए थे, इस जगह पे बैठ द्वार के जो है मगरध्वज जी का मंदिर है यहाँ पे लेके आए थे। तो जो पाताल के जो रक्षक थे तो हनुमान जी के पुत्र मगरध्वज जी थे, तो उनको पहरेदारी दी गई थी कि इस पाताल के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति दाखिल ना हो। तो उसमें मगरध्वज जी एक पहरेदार थे सैनिक के तौर पर, जो कि हनुमान के पुत्र थे। तो हनुमान जी जब राम जी और लक्ष्मण जी को ढूंढने आए तो उनका सामना मगरध्वज जी से हुआ था। तो मगरध्वज जी से ये हुआ कि दोनों में जो युद्ध जीतेगा वही अंदर जाएगा। तो दोनों में जो युद्ध हुआ, बराबर का युद्ध हुआ, तब मगरध्वज जी ने पूछा कि आप कौन हो? तुमने बताया मैं आपका पुत्र हूँ। तुमने बताया तो मेरे पुत्र हूँ, मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी हूँ। तो उन्होंने बताया कि जब आप जा रहे थे तो आपने लंका चला के आप आए थे समुद्र में, जब आपने पसीना छिड़का था तो मछली पेट में जाके, तो मैं वहाँ से जन्म हुआ था, तब जाके दोनों में दोस्ती। उसके बाद फिर अंदर गए राम जी को, लक्ष्मण जी को, राम और लक्ष्मण को लेके आए। तब से कहते हैं कि हनुमान जी और जो मगरध्वज जी की मूर्ति है साक्षात खुद ही विराजमान है यहाँ पे, मतलब बनाई नहीं, ये खुद यहाँ पे हैं, खुद ही विराजमान है। तो बहुत सौभाग्य की बात है हम देखने मिले। तो चलते हैं, हम दर्शन कर लिए, अब चलते हैं बैठ द्वारका की तरफ। सवारी तैयार है हमारी, मिलते हैं फिर। तो लोग भाई, जैसे मैं बात करता हूँ बैठ द्वारिका की, बैठ द्वारिका जो कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण जी ना, स्वयं का कैसे खुद ही नगरी थी, मतलब स्वयं यहाँ रहते थे। जैसे एक तो मेन द्वारिका होगी पर एक बैठ द्वारिका होगी। द्वारिका क्या, जैसे मतलब जैसे बोलते हैं हम, जैसे बोलते हैं कार्यालय, ये तो ऑफिस तौर पर यूज़ करते, मतलब पूरी जनता जो प्रजाति से वहीं रहती थी, बाकी जिन खुद तो घर था तो ये बैठ द्वारिका में था। तो जैसे शाम वो जैसे वापस आते थे काम करके तो अपना यहीं आके विश्राम करते थे, यहीं पे सोते थे। तो बाकी काम जो दिन में होता था तो वहाँ जो द्वारिकाधीश द्वारिका में करते थे वहाँ करते थे, बाकी जो सो तो यहीं करते, यहाँ विश्राम यहीं करते। तो मैंने यहीं आके यहीं रहते थे, यहीं विश्राम करते थे। बहुत अच्छा लगा। तो अंदर अभी कैमरा जाना अलाउड नहीं था, तो अंदर कैमरा के नहीं गए। तो हमने दर्शन कर लिए, तो हम वापस जा रहे हैं, फिर वही बोट पकड़ेंगे वापस जाएंगे द्वारा की तरफ। तो भाई अगर आना है तो आपको टाइमिंग बताता हूँ, 1 से 5 के बीच में बंद रहेगा, कभी भी आएंगे तो 1 से 5 बंद ही मिलेगा। तो 1 बजे से पहले आएँ और 5 आना है तो 5 बजे के बाद आ रहा है। तो इस बात का खास ध्यान रखिए, क्योंकि आने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा। अरे 1 बजे भी आते हैं तो आपको सब लोग 5 घंटे वेट करने पड़ेंगे, इसलिए आप या तो 1 बजे से पहले आएँ या फिर 5 बजे के बाद, क्योंकि 1 बजे पहले आएंगे तो आपको खाली मिलेगी, तो बाद आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, इस करके आप पहले आ जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम दर्शन कर लिए, अब हम वापस जा रहे हैं, मिलते हैं आपको बोट पे। तो भाई जब दर्शन करें हम वापस जा रहे हैं, बैठ द्वारिका घाट पे हैं, यहाँ से हम फिर वापस द्वारिका अधीश तरफ चलेंगे। तो बोटें ओवर फुल हो गई है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो ये बोट भर चुकी है, इसमें नहीं जाएंगे हम। ये सुंदर नज़ारा, दूसरे में जाएंगे यार, दूसरे में जाएंगे। तो सामने देख रहे हो, वो पोर्ट है, कार्गो शिप खड़ी है, इस करके तो आने वाले कुछ समय में ये ब्रिज बन जा रहा, पुल बन जाएगा, तो आने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि अभी तो बोट का ही सहारा है। तो 20 रुपये पर पर्सन सवारी है, तो बन जाएगा तो यहाँ काफ़ी गंदगी सी गिर जाता है, क्योंकि अभी लोगों का तो आना जाना नहीं है। तो बन जाने से बहुत रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, सीधा दोनों दिशा लिंक हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा आपस में। तो शायद एक साल भर में ही बन जाएगा, क्योंकि पूरा काम हो चुका है, बस मेन रह गया, क्योंकि बीच में शायद जो बड़ी कार्गो शिप जाती है तो उनके लिए गैप छोड़ा हुआ है, रुकना लगे क्रॉस करने का, तो शिप क्रॉस होगी ताकि पुल में ना लगे, जब यदि निकल तो पानी में छलांग मार रहे बंदे।
इसलिए खोला हुआ बीच में, थोड़ा सा काम वक्त थोड़ा लंबा क्योंकि इंडिया तौर पर क्योंकि खुलेगा बंद होगा तो टाइम उसमें लग गया, इस करके उसे भी उस बजट टाइम लग रहा है। बाकी तो बस खूबसूरत नज़ारा है, हवा ठंडी चल रही है, एंजॉय। मिलते हैं आपको दोबारा से द्वारका जी से। गाइस हम वापस जा रहे हैं बैठ द्वारका से ओखा की तरफ, ओखा की तरफ जा रहे हैं। फिर मिलेंगे, आएगा। हाथ में काटेगा।